कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। देश की जंगे आज़ादी में इंकलाब का बिगुल फूंकने वाले शहीद आजम भगत सिंह अपनी शहादत के 90 साल बाद भी देश की आवाम के आदर्श बने हुए हैं। आज भी उनको बड़ी शिद्दत के साथ याद किया जाता है, ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है। ऐसे उनसे जो जुड़े हुए स्थान हैं उनको आज भी लोग बड़ी शिद्दत के साथ देखते हैं, जहाँ कभी भगत सिंह आए थे उनके कदम पड़े थे। इस वक्त हम मोहाली ज़िले के मुबारकपुर के पुराने थाने में मौजूद हैं। ये वही जगह है जहाँ शहीद आजम भगत सिंह को एक दिन के लिए रखा गया था। वो बैरक आज भी सहेजी गई है, बाकायदा अब जैसे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है उसको सजाया जा रहा है, और बाकायदा यहाँ के DSP गुरबख्शीश सिंह मान ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब इस बैरक को हिस्टोरिकल रूप दिया जाए, सहेजा जाए, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो यहाँ पर आकर शहीद आजम भगत सिंह से प्रेरणा ले और उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को अपने जीवन में धारण करने के लिए एक पहल करे। इस वक्त गुरबख्शीश सिंह मान हमारे साथ मौजूद हैं। मान साहब, इस बैरक का भगत सिंह जी के साथ क्या इतिहास जुड़ा है? ये जो हमने सुना है वो यही सुना है कि यहाँ से उनको ले जाया जा रहा था शिमला की तरफ, तो यहाँ पे रात को जैसे राहदारी में हम आदमी को रखते हैं तो अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ पे रखा था। तो ये पुराना थाना है, ये फैक्ट है कि ये काफ़ी पुराना थाना है, तो उसको उन्होंने बताने वाले ये बता रहे हैं कि उनको एक रात के लिए यहाँ पर रखा गया था। तो अब आपने जो इस बैरक का एक नवीनीकरण किया है और क्या इसके लेकर के योजनाएं हैं, ताकि जो देश के जो लोग हैं, जो भगत सिंह में जिनकी आस्था है, जो युवा पीढ़ी खास तौर पर है, वो यहां आकर प्रेरणा ले सके? इसका जो ये सेल है, हमने इसको सेल को वैसे के जैसे वो था उसकी दिख को बरकरार रखने का जो प्लान किया है कि ताकि इसमें कोई एक्स्ट्रा हम चीज़ ना लगाएं भी, ताकि इसके जो वैसे ही दिखे जैसे उस वक्त होगी, हमें जो ऐसा एहसास होता है। तो और इसका जो मेन मोटिव यही है कि जो युवा हैं हमारे, जिनका प्रेरणा स्रोत रहे हैं शहीद भगत सिंह, तो वो इससे इनसे सीख लें, इस इनके जो जो ये मार्गदर्शन करते हैं उनको, तो उस पर ये चलें हमारी आने वाली पीढ़ी, तो अपने जीवन को वो संवारें, हमारा ये मकसद है। बिल्कुल, अभी आपको हम ये बैरक भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की अब अंदर इसके जो है स्थिति है, जिसको एक किस्म से उसकी रखरखाव की जा रही है। आप यहाँ भी देखें कि काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह का एक चित्र लगा है और लिखा भी है शहीद आजम जय हिंद, साथ में लिखा हुआ है। और आप देखेंगे कि ऊपर भी इसमें पुराने समय से कुछ चित्र बनाए गए हैं, पेंटिंग की गई है, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह को दिखाया गया है, और इसके अलावा राजगुरु, सुखदेव, इन तमाम शहीदों के चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और भगत सिंह को यहाँ एक चारपाई पर जेल में बैठे हुए दिखाया गया है। अक्सर जो उनके चित्र, ये काफ़ी मशहूर है, जब आखिरी दिनों में वो जेल में थे तो इसी तरह का उनका एक फ़ोटो बार बार जो है उसी को रिलीज किया जाता है। तो ये वो बैरक है जिसमें किसी दौर में शहीद आजम भगत सिंह को एक दिन के लिए रखा गया था। उनको यहाँ से शिमला ले जाते वक्त यहाँ इस बैरक में एक रात बिताई थी शहीद आजम भगत सिंह ने, जो जंगे आज़ादी के, इंकलाब के जो प्रतीक हैं देश के, और आज भी युवा पीढ़ी उनको बड़ी शिद्दत के साथ याद करती है। और अब यहाँ पर पंजाब पुलिस इस बैरक को ही नहीं सहेजेगी, बल्कि इसके बगल में एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, जिसमें जंगे आज़ादी से जुड़ी और शहीदों से जुड़ी कुछ किताबें और साहित्य रखा जाएगा, ताकि कोई भी देश का व्यक्ति, कोई भी जंगे आज़ादी में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति इन किताबों को पढ़कर अपने जीवन में ऐसी प्रेरणा ले सके जो कि शहीद आजम भगत सिंह से
प्रेरणा लेकर अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने जज्बात में देश प्रेम का जज्बा हासिल कर सके। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, मोहाली।